क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से पेज नंबर 143 ट्राई दिस चैप्टर 9 चल रहा था। इसमें क्या है, फाइंड 4x इंटू 5y इंटू 7z, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, इन तीनों का क्या है, ये वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, सारे मोनोमियल हैं, इसका हमको मल्टीप्लाई करना है। इसमें कंडीशन क्या दिया है, फर्स्ट फाइंड 4x इंटू 5y, पहले 4x इंटू 5y कीजिए, यानी ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में मल्टीप्लाई 8 by 7z, बाद में 7z से मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में दिया है, और फर्स्ट फाइंड 5y इंटू 7z, पहले 5y इंटू 7z को मल्टीप्लाई कीजिए एंड मल्टीप्लाई 8 by 4x है, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। इज द रिजल्ट इज सेम, क्या रिजल्ट सेम है वो बताना है कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है क्या, और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं दोनों के रिजल्ट में। दस द ऑर्डर इन विच यू कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन मैटर, जी मल्टीप्लीकेशन के लिए जो ऑर्डर आपने अलग अलग किया, पहले आपने ये मल्टीप्लाई किया बाद में ये मल्टीप्लाई किया, या पहले ये मल्टीप्लाई किया बाद में ये मल्टीप्लाई किया, तो उसे कुछ मल्टीप्लीकेशन, इसको मल्टीप्लीकेशन करने से कुछ अलग कुछ वैल्यू आता है क्या, तो ऑर्डर जो है मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर जो है मैटर करता है क्या, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्या है 4x इंटू 5y इंटू 7z, ठीक है, तो 4x इंटू 5y इंटू 7z, सबसे पहले क्या बोलता है, 4x और 5y को पहले लेना है, तो 4x 5y को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, पहले ले लिया, 7z को अलग कर दिया, 7z को हटा दिया, ठीक है, इंटू 7z बाहर कर दिया। ठीक है, अब 4x और 5y को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 4 और 5 का यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू का पहले मल्टीप्लाई होगा और वेरिएबल का बाद में रख देंगे, तो 4 इंटू 5 इंटू x इंटू y हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू x इंटू y, ठीक है, 7z अपने जगह में रखा हुआ है, कुछ उसको नहीं किया, जो कर रहा हूँ सब ये ब्रैकेट के अंदर वाले को। अब 4 5 20 हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, यानी 20xy हो गया, बाद में 7z मैंने लिख दिया। अब इसमें भी सेम टू सेम करेंगे, पहले कांस्टेंट वैल्यू 20 है और बाद और 7 है, तो 20 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 7, बाद में xy का z से, ठीक है, ये यहाँ पे xy है तो xy रखा और यहाँ z है तो z रखा, xy इंटू z, तो क्या हो जाएगा, 27 जा 140, xy और z सब साथ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमको, पहले y 5y 7z करना है, तो 5y 7z को एक साथ हमने रख दिया और 4x को बाहर कर दिया। ठीक है, वापस आप कीजिए सेम टू सेम, तो 5 × 7 × y × z हो जाएगा, 5 × 7 × y × z हो गया, 4x बाहर में अपनी जगह में पड़ा हुआ है। अब 5 × 7 = 35 yz, तो 5 × 7 = 35 ये हो गया, yz का yz लिख दिया, 4x अपनी जगह में पड़ा हुआ है। अब हमको ये दोनों को कैलकुलेट करना है, तो 4 × 35 हो जाएगा, x × yz हो जाएगा, x × yz, ओके, कितना हो जाएगा, ये भी 140xyz हो गया, यानी 140xyz यहाँ भी आया, 140xyz यहाँ भी आया, तो फिर क्या बोलेंगे, इज द रिजल्ट द सेम, तो यस रिजल्ट इज सेम। ठीक है, ऐसा रखेंगे तो भी और ऐसा रखेंगे तो भी रिजल्ट सेम है, यानी ये इज इक्वल टू ये है। ठीक है, 4x इंटू 5y इंटू 7z जो है इज इक्वल टू 4x इंटू क्या है 5y इंटू 7z, ब्रैकेट के अंदर जो है दोनों को अलग अलग दिखा दिया, हाँ ये सेम है। बाद में क्या पूछता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व हम यही करते हैं भाई, रिजल्ट तो सेम है। डज द ऑर्डर इन विच यू कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन मैटर, तो नो ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है, इन द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता है, ये मोनोमियल है, ये सारे 4x 4y 7z जो मोनोमियल है, और मोनोमियल में मल्टीप्लीकेशन जो है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में आप लोगों को।